पंजाब में कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान। कांग्रेस का भगवंत सरकार पर राजनीतिक साजिश का आरोप। आम आदमी पार्टी का INDIA गठबंधन में दरार से इनकार। कांग्रेस को मार्जिनलाइज करने के लिए, आवाज बंद करने के लिए ऐसी गंदी हरकत की आज। 24 घंटे में आ सकती है राजस्थान में बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। जयपुर में कल देर रात से सुबह तक अमित शाह और जेपी नड्डा की बैठक। कई नेताओं के साथ नाम पर महामंथन। उमेश पाल हत्याकांड मामले में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अतीक के भाई अशरफ का साला सद्दाम गिरफ्तार। दिल्ली के मालवीय नगर से हुई गिरफ्तारी। 1,00,000 रुपए का था इनाम। ये एक इम्पोर्टेंट कामयाबी है क्योंकि अब्दुल समद और सद्दाम जो अशरफ का सगा साला है, ये गैंग का बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ट्रस्टेड मेंबर रहा है। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन। 98 साल की उम्र में चेन्नई में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। राजस्थान के सीकर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या मामले में बीजेपी का CM गहलोत पर निशाना। खास समुदाय के लिए तुष्टीकरण का लगाया आरोप। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जो अभियुक्त थे वो तीनों के तीनों एक संप्रदाय विशेष के अभियुक्त थे, उससे संबंध रखने वाले लोग थे, इसलिए राजस्थान की सरकार ने इस घटना को दबाने की पूरी कोशिश की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग लड़की से दरिंदगी पर हिरासत में लिया गया एक ऑटो चालक। शुरुआती पूछताछ में मिले मामले से जुड़े होने के सबूत। SIT कर रही है मामले की जांच। प्रमुख तौर पे एक ऑटो चालक को अभिरक्षा में लिया गया। उससे जब पूछताछ हुई, पूछताछ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए। कोचिंग हब कोटा में एक और छात्र ने की खुदकुशी। परीक्षा की तैयारी कर रहे यूपी के तनवीर ने फांसी लगाकर दी जान। जनवरी से अब तक 27 छात्रों ने की आत्महत्या। 10 दिन के गणेश उत्सव के बाद आज हो रही है बप्पा की विदाई। विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं श्रद्धालु। हर तरफ गणपति बप्पा मोरिया की गूंज। News18 India लगातार बना हुआ है देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। दर्शकों ने खबरों के लिए News18 India पर जताया पूरा भरोसा। ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। News18 India नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल।